अस्सलाम फ्रेंड, दिस इज़ मोहसिन फ्रॉम मोहसिन वीडियोज़। यार मैं आपको बताता चलूँ कि जो वीचेज यूनिवर्सिटी जो टेस्ट ले रही है फॉर द पोस्ट ऑफ LDC UDC असिस्टेंट प्रमोशंस के लिए 3 वीक्स और 6 वीक्स का जो है ये मॉड्यूल्स हैं, 6 मॉड्यूल हैं जो 3 वीक्स और 6 वीक्स पे बेस हैं। LDC UDC के लिए 3 वीक्स हैं और जो असिस्टेंट्स हैं उनके लिए 6 वीक्स का बेसिक कोर्स है। तो उस रिलेटेड जितना डाटा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आप मेरे चैनल पे आएँ, प्लेलिस्ट को देखें, प्लेलिस्ट में आपको सारे जो है मॉड्यूल्स मिल जाएंगे ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस के साथ। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए भी है जो कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें हमारे चैनल पे। और हम जो आज तीसरे मॉड्यूल पे पहुंच गए हैं, इसके आई थिंक 5 जो है वो एपिसोड होंगी। तो हर एपिसोड को मैं बकायदा शेयर भी करूंगा। अगर आपने पिछले मॉड्यूल को जो है उसके एपिसोड्स वगैरह देखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, और वहाँ पे मैंने बकायदा इसकी अलहदा से प्लेलिस्ट तैयार करके रखी है, जो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारी आपको प्लेलिस्ट शो हो जाएगी और बकायदा 1 by 1 आप सारों को देख सकते हैं। और अगर आप ये देख लिया आप लोगों ने तो ऑब्वियसली इतना ब्रीफ डिटेल है कि आप वो टेस्ट ईजीली पास कर जाएंगे, तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी। और मैं कोशिश करूँगा कि टेस्ट सैम्पल भी जो है वो आपके साथ शेयर करूं। और जो आज हमारे पास मॉड्यूल है 3rd, वो वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। और वर्ड्स प्रोसेसिंग के मैं बता दूं कि मेरे पास 5 पार्ट है, 6 पार्ट हैं, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग का पहले इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद कि वर्ड प्रोसेसिंग को लेके आपने एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है, उसके बाद फॉर्मेटिंग क्या चीज़ है, इसके साथ वर्ड प्रोसेसिंग में टेबल का क्या काम है, और जो है प्रिपेयरिंग आउटपुट्स वगैरह, और उसके बाद मेल मर्ज क्या चीज़ है। तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करते, लेकिन सब्सक्राइब का बटन यार दबा दो और लाइक भी कर दिया करो, काफ़ी एफर्ट लगती है वीडियो को बनाने के लिए। एनीवेज, गो टू द वीडियो। प्रिपेयरिंग आउटपुट्स। आप जानते हैं कि जब भी कोई दस्तावेज तैयार की जाती है तो उसे मुख्तलिफ हवालों से चेक किया जाता है। उस डॉक्यूमेंट्स में देखा जाता है कि कोई खामी ना हो और उसमें मौजूद इन्फॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त हो। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि लैंग्वेज के हवाले से कोई कोताही ना रह जाए, यानी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और ना ही कोई ग्रामर की गलती। जब हम वर्ड प्रोसेसर की मदद से अपना कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसे बिल्कुल तफसील से रिव्यू करना चाहिए। इसे रिव्यू करने में हम डॉक्यूमेंट के मुकम्मल लेआउट को देखते हैं, जिसमें पेज मार्जिन्स, हेडर फुटर सेटिंग्स, मुनासिब फॉन्ट साइज और पैराग्राफ की सेटिंग शामिल होती है। ये तमाम काम हमने गुज़िश्ता लेसन्स में सीखे हैं और उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि इन सब ऑप्शंस को कौन से मेन्यूज के जरिए इस्तेमाल किया जाता है या दोबारा ओपन किया जाता है। डॉक्यूमेंट रिव्यू या प्रूफिंग का एक बहुत अहम हिस्सा स्पेलिंग चेक भी है, यानी अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद इमला की गलतियों को देखना। टाइपिंग के दौरान अक्सर ऐसे हो जाता है कि अल्फाज के हिज्जे दुरुस्त नहीं होते, कोई न कोई कोताही हो ही जाती है। और अगर डॉक्यूमेंट कई सफात पर मुश्तमिल हो तो फिर और भी मोहतात होना पड़ता है कि पूरे डॉक्यूमेंट की तफसील को मुकम्मल तौर पर चेक किया जाए। इसलिए पब्लिशिंग हाउसेस, जहाँ पर बड़ी तादाद में डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, वहाँ खास तौर पर एडिटर्स और प्रूफ रीडर्स मौजूद होते हैं जो सिर्फ यही काम करते हैं। एक वर्ड प्रोसेसर को इस्तेमाल करते हुए हमें एक बहुत बड़ी सहूलत हासिल है। इस सहूलत को हम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कहते हैं। ये फीचर हमारे डॉक्यूमेंट में से न सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक्स की निशानदेही कर सकता है, बल्कि इसके साथ साथ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के बारे में भी हमें बताता है। जब हम एक डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो वर्ड प्रोसेसर अपने अंदर मौजूद डिक्शनरी की मदद से हमारे तमाम टाइप किए गए अल्फाज को चेक करता रहता है। ये काम इंतहाई तेजी के साथ किया जा रहा होता है और हमें महसूस भी नहीं होता। जैसे ही हम कोई ऐसा लफ्ज लिखते हैं जिसके स्पेलिंग्स दुरुस्त नहीं या जो इंग्लिश डिक्शनरी में मौजूद नहीं, तो वर्ड प्रोसेसर फौरन ऐसे अल्फाज के नीचे सुर्ख रंग की लाइन लगा देता है। इसी तरह अगर किसी जुमले में
ग्रामर के एतबार से कोई कमी हो तो भी उसकी निशानदेही एक सब्ज रंग की लाइन से कर दी जाती है। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के फीचर्स की बदौलत हम बहुत आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स में मौजूद इमला की गलतियों और ग्रामर के एतबार से गलत जुमलों को ठीक कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इन फीचर्स को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसमें पैराग्राफ लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ में आपको अक्सर जगह पर सुर्ख और सब्ज रंग से अल्फाज अंडरलाइन हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सुर्ख रंग से अंडरलाइंड अल्फाज को कैसे दुरुस्त करना है। ये सुर्ख अंडरलाइन स्पेलिंग मिस्टेक की निशानदेही करती है। स्पेलिंग मिस्टेक्स को दुरुस्त करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम रिव्यू की टैब में पहली ऑप्शन स्पेलिंग एंड ग्रामर के फीचर को इस्तेमाल कर लें, और दूसरा तरीका है माउस पॉइंटर के राइट क्लिक के साथ, जो कि आसान भी है और इंटरेस्टिंग भी। आइए पहले आसान तरीके को इस्तेमाल करके देखते हैं। यहाँ आपको लफ्ज विच के स्पेलिंग गलत नजर आ रही हैं। इसमें W के बाद वाला H टाइप नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये लफ्ज दुरुस्त नहीं रहा। अगर हम इस लफ्ज में H को टाइप कर दें तो ये लफ्ज ठीक हो जाएगा, लेकिन जरा ठहरिए, हम ये देखना चाहते हैं कि कंप्यूटर हमें क्या मशवरा दे रहा है, उसे इस लफ्ज में क्या गलती नजर आ रही है। हम कंप्यूटर की सजेशन देखने के लिए इस लफ्ज पर राइट क्लिक करते हैं। एक मेन्यू ओपन हो गया है। इस मेन्यू में सबसे ऊपर आप पांच अल्फाज बोल्ड टेक्स्ट में देख रहे हैं। ये पांचों अल्फाज विच की मुख्तलिफ शक्लें हैं। अब इनमें से कौन सा दुरुस्त लफ्ज इस जुमले में इस्तेमाल करना है, इसका फैसला कंप्यूटर ने हम पर छोड़ दिया है। दरअसल कंप्यूटर एक गलत लफ्ज को डिटेक्ट कर लेता है और डिक्शनरी में मौजूद इसकी मुख्तलिफ सूरतें भी आपको दिखा देता है। ये फैसला हमें खुद करना है कि लफ्ज विच की कौन सी शक्ल यहाँ सूट करती है। हमारे ख्याल में जो लफ्ज सही तौर पर इस जुमले में इस्तेमाल होता है, हम इस पर एक मरतबा लेफ्ट माउस बटन से क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक कर दिया जाता है और सुर्ख रंग की लाइन भी खत्म हो जाती है। अब अगला लफ्ज जो हमें नजर आ रहा है वो है फूल नगर का। आइए इस पर माउस पॉइंटर से राइट क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि मेन्यू में सबसे ऊपर लिखा है नो स्पेलिंग सजेशन। आप सोच रहे होंगे कि अगर कंप्यूटर इस लफ्ज को एक स्पेलिंग मिस्टेक कहता है तो फिर कोई सजेशन क्यों नहीं दे रहा। किसी चीज को गलत तो उसी वक्त कहा जा सकता है जब उसका दुरुस्त वर्जन मालूम हो। दरअसल कंप्यूटर इस वक्त आपको इस लफ्ज के नीचे इसलिए सुर्ख लाइन दिखा रहा है क्योंकि ये लफ्ज डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं। इसकी वजह यह है कि लफ्ज एक जगह का नाम है और अक्सर नाम डिक्शनरी में शामिल नहीं होते। अगर आप भी अपना नाम एक डॉक्यूमेंट में टाइप करेंगे तो उसे भी कंप्यूटर एक स्पेलिंग मिस्टेक ही समझेगा, क्योंकि वो इसकी डिक्शनरी में मौजूद नहीं। ऐसे अल्फाज जो कंप्यूटर डिक्शनरी में मौजूद ना हो, उन्हें हम डिक्शनरी में ऐड करवा सकते हैं ताकि उन्हें अगली मर्तबा एक स्पेलिंग मिस्टेक न समझा जाए। इसका तरीका ये है कि हम फूल नगर के लफ्ज पर माउस पॉइंटर ले जाकर एक मर्तबा राइट क्लिक करते हैं। जो मेन्यू हमारे सामने आ गया है, इसमें से हम एड टू डिक्शनरी की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, सुर्ख लाइन खत्म हो गई है। इसका मतलब ये है कि फूल नगर का लफ्ज इस कंप्यूटर की इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल हो गया है और आइंदा इस लफ्ज को एज ए स्पेलिंग मिस्टेक कंसिडर नहीं किया जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर अब हम फूल नगर का लफ्ज गलत स्पेलिंग्स के साथ टाइप करेंगे तो फिर कंप्यूटर हमें सही लफ्ज के बारे में गाइड भी करेगा, क्योंकि अब ये लफ्ज कंप्यूटर डिक्शनरी में महफूज है। अब आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं कि ये एक तवील जुमला है जिसके नीचे सब्ज लाइन है। आप जानते हैं कि ये सब्ज लाइन ग्रामेटिकल मिस्टेक की निशानदेही करता है।
इस जुमले पर माउस पॉइंटर से राइट क्लिक करके देखते हैं कि कंप्यूटर हमें क्या सजेशन दे रहा है। आप देख रहे हैं कि राइट क्लिक से जो मेन्यू हमारे सामने आया है, फ्रैगमेंट कंसीडर रिवाइजिंग लिखा है। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर के ख्याल में ये जुमला बहुत तवील है और इसमें पंक्चुएशन मार्क्स की जरूरत है, मसलन कॉमा या सेमी कॉलन, ताकि जुमला दुरुस्त हो जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि जुमले में कॉमा इस्तेमाल हुआ है, जिससे जुमला तो मतवाजन बन रहा है, फिर प्रॉब्लम कहाँ है? आपने नोट किया होगा कि इस जुमले में एक स्पेलिंग मिस्टेक भी मौजूद है। आइए इस पर माउस पॉइंटर से राइट क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या सजेशंस मिलती हैं। ये देखिए, कंप्यूटर ने हमें बताया है कि ये लफ्ज दरअसल रेफर्स प्राइमरली है, जो स्पेस न होने की वजह से इकट्ठा हो गया था। बहरहाल हम इसको दुरुस्त कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक को दुरुस्त करते ही जुमले की ग्रामेटिकल मिस्टेक भी खत्म हो गई। ये महज इत्तेफाक था कि सिर्फ एक स्पेलिंग मिस्टेक ने जुमले के ग्रामेटिकल बैलेंस को भी डिस्टर्ब कर दिया था। हम कहना ये चाहते हैं कि हमें दोनों का ख्याल रखते हुए जुमले को दुरुस्त करना पड़ता है। लीजिए, हमने माउस पॉइंटर की मदद से स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक को ठीक करने का तरीका देख लिया। अब चलते हैं उस ऑप्शन की तरफ जिसका जिक्र हमने पहले किया था, यानी रिव्यू की टैब में पहली ऑप्शन स्पेलिंग एंड ग्रामर के फीचर की। आइए इस बटन पर क्लिक करते हैं। ये ऑप्शन या टूल भी हमें कंप्यूटर डिक्शनरी से चेक करके हमें सजेशन देता है कि जुमलों या अल्फाज में किस किस्म की खामी है। आइए इस बटन पर क्लिक करते हैं। बटन पर क्लिक करते ही एक विंडो ओपन हो गई है जिसका नाम इंग्लिश US स्पेलिंग एंड ग्रामर लिखा नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो भी स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स चेक की जाएंगी वो अमेरिकन इंग्लिश स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होंगी। इस विंडो में दो वाजे हिस्से नजर आ रहे हैं। एक बॉक्स ऊपर है जिसमें हमारी डॉक्यूमेंट्स में मौजूद एक ऐसा जुमला दिखाया जा रहा है जिसमें कोई गलती है, जबकि नीचे वाले बॉक्स में सजेशंस की लिस्ट है। हम पूरे जुमले को पढ़कर फैसला कर सकते हैं कि सजेशंस में से कौन सी ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। जो ऑप्शन दुरुस्त है हम उस पर लेफ्ट माउस बटन से एक मर्तबा क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं और दाएं जानिब चेंज के बटन पर क्लिक करते हैं। जब ये चेकिंग मुकम्मल हो जाती है तो हमारे सामने एक मैसेज आ जाता है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक मुकम्मल हो चुका है। जब हम वर्ड प्रोसेसिंग की मदद से एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं तो इसका प्रिंटर की मदद से प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। आपको मालूम है कि जो फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स हमारे कंप्यूटर में सेव्ड हैं, इन्हें हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जब हम इन फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स को प्रिंटर की मदद से पेपर पर प्रिंट कर लेते हैं तो इन्हें हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट कहा जाता है। किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेने से पहले हम रिकमेंड करेंगे कि आप मुकम्मल तौर पर इसका रिव्यू कर लें। रिव्यू के दौरान आप ये चेक कर लें कि आपने पेज साइज मुनासिब रखा है, तमाम टेक्स्ट आपकी मर्जी के मुताबिक है, तमाम पेज मार्जिन्स सही सेट किए गए हैं और किसी किस्म की स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक नहीं है। इन सब चीजों को चेक करने के बाद आप डॉक्यूमेंट का प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट लेने से पहले एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हम अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देख लें। प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन के जरिए हम अपने डॉक्यूमेंट का मुआयना कर सकते हैं कि प्रिंट आउट के बाद वो कागज पर कैसा लगेगा। प्रिंट करने के लिए हम फाइल मेन्यू में जाकर प्रिंट की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट की ऑप्शन के साथ एक नई विंडो में नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि दाएं जानिब हमें डॉक्यूमेंट के एक पेज का प्रीव्यू नजर आ रहा है। इसका साइज आपकी सहूलत के लिए छोटा कर दिया गया है ताकि आप अंदाजा कर सकें कि टेक्स्ट और इसके चारों जानिब मार्जिन मुनासिब लग रहे हैं या नहीं। आप डॉक्यूमेंट के बाकी सफात के नीचे दिए गए इन बटन्स को इस्तेमाल करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको
पेज सेटिंग में कोई तब्दीली करना हो तो बाएं तरफ नीचे दिए गए इस पेज सेटअप के जरिए इसे ठीक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद अब हम तैयार हैं कि इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट लिया जाए। इसके लिए हम ऊपर दिए गए प्रिंट के इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट का प्रिंट हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच प्रिंटर को भेज दिया जाता है। जब हम बटन पर क्लिक करते हैं तो फौरन ही प्रिंटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि आप सारे डॉक्यूमेंट का प्रिंट नहीं लेना चाहते, बल्कि आपको सिर्फ चंद पेजेस का प्रिंट चाहिए, या आप इस पूरे डॉक्यूमेंट की एक से ज्यादा प्रिंटेड कॉपीज बनाना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए हमें जरा तफसील के साथ प्रिंट की ऑप्शंस को देखना होगा। प्रिंट की डिटेल ऑप्शंस के लिए हम फाइल मेन्यू में मौजूद प्रिंट की ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसका नाम प्रिंट है। इस विंडो में बहुत से सेक्शंस और ऑप्शंस हैं। हम इनमें से चंद इंतहाई अहम ऑप्शंस को देखेंगे। इस विंडो में सबसे पहले प्रिंटर का सेक्शन है जिसमें आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट नजर आ रही है। इस लिस्ट में आपको इस कंप्यूटर के साथ अटैच प्रिंटर का नाम नजर आ रहा है। आप अपने कंप्यूटर के साथ जो भी प्रिंटर अटैच या इंस्टॉल करेंगे उसका मॉडल और नाम आपको इसी जगह नजर आएगा। अगला सेक्शन कॉपीज का है। यहाँ मौजूद बॉक्स में हम नंबर ऑफ कॉपीज को एक से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जितना नंबर हम यहाँ बताएंगे उतनी ही कॉपीज हमारे डॉक्यूमेंट की प्रिंट के लिए तैयार हो जाएंगी। इसके बाद इस विंडो में सेटिंग्स के नीचे पेज रेंज का सेक्शन है जिसमें आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट नजर आ रही है। इस लिस्ट में आपको प्रिंट ऑल पेजेस, प्रिंट करंट पेज, प्रिंट कस्टम रेंज वगैरह की ऑप्शंस नजर आ रही हैं। इसके अलावा प्रिंट सिलेक्शन की ऑप्शन भी मौजूद है। इस वक्त प्रिंट सिलेक्शन की ऑप्शन ग्रे कलर में नजर आ रही है जो कि डिसेबल्ड है। आइए इन ऑप्शंस का मकसद देख लें। सबसे पहली प्रिंट ऑल पेजेस की ऑप्शन है। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके अगर प्रिंट लिया जाए तो डॉक्यूमेंट में मौजूद तमाम पेजेस का प्रिंट आउट निकलेगा। दूसरी ऑप्शन प्रिंट सिलेक्शन की है जो कि अभी डिसेबल्ड है। ये ऑप्शन आपको उस वक्त इनेबल्ड मिलेगी जब आप अपनी डॉक्यूमेंट्स में से कुछ पोर्शन को सिलेक्ट करके प्रिंट करवाना चाहें। मसलन आपको सिर्फ एक पैराग्राफ का प्रिंट लेना है। इसके लिए सिर्फ उस पैराग्राफ को माउस पॉइंटर से सिलेक्ट कर लें और फिर इस प्रिंट की विंडो को ओपन करें। इस सिलेक्टेड पैराग्राफ का प्रिंट लेने के लिए प्रिंट सिलेक्शन की ऑप्शन को सिलेक्ट करें और फिर प्रिंट का बटन प्रेस कर दें। ऐसा करने से सिर्फ सिलेक्टेड पैराग्राफ का प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा। तीसरी ऑप्शन प्रिंट करंट पेज की है। करंट पेज से मुराद वो पेज होता है जिस पर हमारा कर्सर मौजूद हो। चौथी ऑप्शन प्रिंट कस्टम रेंज की है। इस ऑप्शन के नीचे एक बॉक्स मौजूद है जिसमें हम इन पेजेस के नंबर टाइप करेंगे जिनका प्रिंट लेना मकसूद है। हम यहाँ इस टेक्स्ट बॉक्स में दो तरह से पेज नंबर रेंज टाइप कर सकते हैं। मसलन अगर हमें पेज नंबर 3, 7 और 15 का प्रिंट लेना है तो हम ये तीनों पेज नंबर्स इस बॉक्स में टाइप करेंगे और इनके दरमियान कॉमा लगाया जाएगा। इसी तरह अगर आपको जरूरत के मुताबिक डॉक्यूमेंट में से पेज नंबर 12 से लेकर 30 तक का प्रिंट लेना है तो आप ये दोनों नंबर इस बॉक्स में टाइप करेंगे, लेकिन दरमियान में हाइफन साइन या माइनस साइन लगाया जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। इस प्रिंट विंडो में हमारे पास एक और कारामत ऑप्शन मौजूद है जिसके जरिए हम अपने डॉक्यूमेंट्स के ऑड या इवन पेजेस का अलहदा अलहदा प्रिंट ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रिंट ऑल पेजेस के सामने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें ऑड पेजेस और इवन पेजेस की ऑप्शंस भी मौजूद है। ऑड और इवन पेज का प्रिंट हम उस वक्त लेते हैं जब हमें पेपर के दोनों जानिब प्रिंट आउट लेना हो। अमूमन हम पेजेस की सिर्फ एक साइड पर ही प्रिंट लेते हैं,
ऐसा करने से तमाम डॉक्यूमेंट के पेजेस, चाहे वो ऑड हों या इवन, सब एक ही तरतीब में प्रिंट हो जाते हैं। लेकिन जब हमें किताब की सूरत में प्रिंटिंग करना हो तो फिर हर पेज की दोनों साइड्स इस्तेमाल होंगी। ऐसी सूरत में हम पहले तमाम ऑड पेजेस की प्रिंटिंग कर लेते हैं और फिर उन पेजेस को पलटकर उनके ब्लैंक साइड्स पर तमाम इवन पेजेस का प्रिंट ले लिया जाता है। इस तरह से हमारी डॉक्यूमेंट एक किताब की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसे हम फिर बाइंड भी करवा सकते हैं। बहुत सारी दूसरी ऑप्शंस के अलावा एक कोलेटेड की ऑप्शन भी मौजूद है। कोलेट का मतलब होता है तरतीब देना या अरेंज करना। कोलेट की ऑप्शन दरअसल हमारी डॉक्यूमेंट की निकाले जाने वाली कॉपीज की तरतीब बदलने के लिए है। आपको साथ ही कुछ सैंपल पेज आइकन्स के दो सेट्स नजर आ रहे हैं, जिन पर 1, 2, 3 लिखा है। इसका मतलब ये है कि जब डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग हो गई, तो पहले एक सेट मुकम्मल निकलेगा और फिर दूसरा सेट मुकम्मल निकलेगा। इन सेट्स में से पेजेस की तरतीब हमें बिल्कुल ठीक मिलेगी। दूसरी ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि पहले पेज 1 का सेट है, फिर 2 और फिर 3 का। इस सैंपल का मतलब ये है कि जब हमारे डॉक्यूमेंट के मल्टीपल प्रिंट निकलेंगे तो पहले पेज 1 की तमाम कॉपीज निकल आएंगी और फिर उसके बाद पेज 2 की तमाम कॉपीज निकलेंगी। इस तरतीब से जो प्रिंटआउट्स निकलेंगे उन पर फिर हमें खुद से एक एक सफा अरेंज करके डॉक्यूमेंट मुकम्मल करना होगा। कोलेटेड के सेक्शन के नीचे हमारे पास ओरिएंटेशन का सेक्शन है, जिसमें दो ड्रॉप डाउन लिस्ट्स हैं। पहली ड्रॉप डाउन लिस्ट पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन की है। इसको सेलेक्ट करने से हमारा डॉक्यूमेंट अमूदी कागज पर प्रिंट होकर निकलेगा, जैसा कि आप दाएं तरफ प्रीव्यू में भी देख रहे हैं। दूसरी ऑप्शन लैंडस्केप ओरिएंटेशन है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से हमारा डॉक्यूमेंट कागज पर मतवाजी शक्ल में प्रिंट होकर निकलेगा, जैसा कि हम दाएं जानिब प्रीव्यू में देख रहे हैं। इन दोनों ऑप्शंस में से किसको सिलेक्ट करना चाहिए, इसका दारोमदार हमारे डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट या तस्वीर पर मुनहसर है। अगला सेक्शन पेज साइज का है। आपको याद होगा कि हमने शुरू के लेसन में पेज साइज के बारे में आपको बताया था। हमने ये भी बताया था कि डॉक्यूमेंट तैयार करने से पहले पेज साइज की सेटिंग कर लेनी चाहिए, तो हमें सही साइज के कागज पर प्रिंट लेने में दुश्वारी ना हो। इस ड्रॉप डाउन साइज में से हम पेज का वो साइज सेलेक्ट करेंगे जो पेज साइज हमने डॉक्यूमेंट तैयार करते हुए चूज किया था। नेक्स्ट ऑप्शन पेज मार्जिन की है। यहाँ पर पहले से रेडीमेड ऑप्शन अवेलेबल हैं। हम अपनी मर्जी और जरूरत के मुताबिक कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टम मार्जिन्स की ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए अपने पेज की सेटिंग्स को तब्दील कर सकते हैं। इससे हम डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद टेक्स्ट के दाएं, बाएं, नीचे और ऊपर से मुनासिब खाली जगह छोड़ सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इससे अगली ऑप्शन पेज पर शीट की है। इसका मतलब ये है कि जब हम अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लें तो इसमें एक कागज के एक तरफ डॉक्यूमेंट के कितने सफे प्रिंट होना चाहिए। पहली ड्रॉप डाउन लिस्ट वन पेज पर शीट की है, जो इस वक्त आपको लिखा नजर आ रहा है। अगर लिस्ट को ओपन करें तो यहाँ आपको 16 पेजेस तक की ऑप्शंस नजर आ रही हैं। इन ऑप्शंस में से किसी की सिलेक्शन करेंगे तो जो प्रिंट आउट्स आपको मिलेंगे, इसमें एक ही पेज के ऊपर आपको कई पेजेस श्रिंक करके प्रिंट दिया जाएगा। मसलन अगर हम 4 पेजेस को सिलेक्ट करके प्रिंट के लिए कहेंगे तो जो प्रिंट आउट आपको मिलेगा उसमें एक ही शीट के ऊपर 4 पेजेस का टेक्स्ट प्रिंट कर दिया जाएगा। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के आखिर में स्केल टू पेपर साइज की ऑप्शन दी गई है। ऐसा मुमकिन है कि आपने पेज साइज उस वक्त A4 साइज के मुताबिक सेट कर लिया, मगर अब आपके पास प्रिंटिंग के लिए जो पेजेस हैं वो लेटर साइज के हैं, तो दुश्वारी हो सकती है। ऐसे मौके पर हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट का पेज साइज तब्दील नहीं करते, बल्कि
स्केल टू पेपर साइज की ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। फर्ज करें कि हमारा डॉक्यूमेंट A4 पेज साइज के मुताबिक तैयार किया गया था, मगर अब हमारे पास प्रिंट लेने के लिए जो पेजेस हैं, वो लेटर साइज के हैं, जो कि निस्बतन छोटे होते हैं। अब हम पेपर साइज में से लेटर साइज सिलेक्ट करते हैं और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से स्केल टू पेपर साइज की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। इसका फायदा ये होगा कि A4 साइज के मुताबिक बना हुआ डॉक्यूमेंट मामूली एडजस्टमेंट के साथ लेटर साइज के पेजेस पर प्रिंट हो जाएगा। समरी। इस लेसन में आपने सीखा डॉक्यूमेंट का रिव्यू और प्रूफ रीडिंग करना, स्पेलिंग और ग्रामेटिकल गलतियों को सही करने का तरीका, अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेने का तरीका और प्रिंट आउट लेने की मुख्तलिफ ऑप्शंस। इस सेशन की तकमील के साथ ही हमारे मॉड्यूल का इख्तिताम होता है। आप किसी भी लेसन को दोबारा स्टार्ट करने के लिए इंडेक्स एरिया में इस पर क्लिक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपने इस प्रोग्राम में मौजूद लेसन और हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस वगैरह से काफ़ी कुछ सीखा होगा। हमारी पूरी कोशिश रही है कि हम आपको आसान अंदाज में वो तमाम बातें सिखा दें जो एक कंप्यूटर यूज़र को मालूम होनी चाहिए। अगर आपने उन लेसन्स और एक्सरसाइजेस को तवज्जो से मुकम्मल किया है तो हमें यकीन है कि आपको अपने कंप्यूटर के इस्तेमाल में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। VUCPL और इस सिलसिले के बाकी मॉड्यूल्स के हवाले से मज़ीद मालूमात के लिए आप स्क्रीन पर नज़र आने वाली वेबसाइट और ईमेल एड्रेस पर रابطہ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था वीडियो के स्टार्टिंग में, और वो ये है कि प्लेलिस्ट में भी आप जाके जो है वो मैं सारे मॉड्यूल्स के एपिसोड देख सकते हैं। बाकी एंड में भी कहीं ना कहीं एपिसोड्स का मैंने जो है वो लिंक वगैरह दे दिया है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर नीचे देखें डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी एपिसोड्स का जो है वो बता दिया, एपिसोड 1, 2, 3 मॉड्यूल्स वगैरह सारी चीज़ें, जिस मॉड्यूल पर आप क्लिक करेंगे, जो सी एपिसोड आप देखना चाहते हैं, जो सी एप्लीकेशन आप यूज़ करना चाहते हैं उस मॉड्यूल को लेके, कि आया वो वर्ड प्रोसेसिंग है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, जो भी है उसके अलहदा से मैंने एपिसोड बनाई है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो शुरू हो जाएगी। एनीवेज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दिस इज मोहसिन रज़ा इकबाल साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। इस दुआ के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।